हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.10 चल रहा है अपना। देखो मोड आ गया आपके पास, तो मोड को ओपन करना आप जानते ही हो। एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो करा, एक्स इक्वल टू फाइव मेरा क्रिटिकल पॉइंट बना। एक मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, 2 2 8 है ये वैल्यू, बीच में ये 5 टपक गया। अब इस वाले इंटरवल के अंदर आप कोई वैल्यू रख के देखो, इसके अंदर रफली रख लो यार, 2 से 5 के बजाय 2 3 4 4 रख लो, नेगेटिव आ रहा है। 6 रख लो, पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको पता है कि आपका जो एक्स माइनस फाइव है 2 से 5 इंटरवल में, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन 5 2 8। समझ में आया? आंसर आ गया। इस तरीके से ये वैल्यू बनी है, ठीक है साहब। अब आगे बढ़े। बढ़िया सर, बढ़िया, आगे बढ़िया। अब आपका जो क्वेश्चन है, आपको पता होगा बाय P2 प्रॉपर्टी। P2 प्रॉपर्टी जानते हो आप, ए से बी एफ एक्स डॉट डी एक्स अगर दे रखा हो, उसमें आप ए से सी एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डॉट, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। 2 से 4 जो क्वेश्चन है, 2 से 8 जो आपका क्वेश्चन है, उस तक हम कैसे पहुंचेंगे? सर पहले पहुंचेंगे 2 से 5 तक, एक्स माइनस फाइव पे माइनस लगा के, और फिर हम पहुंचेंगे 5 से 8 तक एज इट इज वैल्यू पुट करके। माइनस को बाहर छोड़ो, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, 5 और 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x, 8 और 5। ओपन करना है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, यहां आने वाली पूरी वैल्यू। एक मिनट, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ यार। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएगा कि यार आ तो गया। चलिए आगे देखेंगे अपन इसको सॉल्व करने के लिए। ये माइनस को यहीं रहने दीजिए, 5 स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 5 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 2, फिर अपर लिमिट 8 स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 8 स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 5। ठीक है, आगे देखो, 25 बाय 2, 25 माइनस में खोलता जा रहा हूँ, 2 2 4 बाय 2, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 10। 8 8 64 बाय 2 माइनस 8 5 40 माइनस 25 बाय 2 माइनस और प्लस 5 5 25। पूरे को ओपन करो, माइनस 25 बाय 2 प्लस 25 प्लस 2, ये कट गया, और ये माइनस 10 प्लस 2 से इसको काट देता है, 32 माइनस 40 माइनस 25 बाय 2 प्लस 25। ठीक है, देखो इसमें से क्या क्या कट रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। कैसे? दोनों को ऐड करूंगा, माइनस 50 बाय 2 और कट करूंगा तो 25, माइनस का 25, 45 25, ये 50 हो गया। ठीक है, 10 में से 2 गया, माइनस 8 हो गया, 32 में से 50 गया, फिर माइनस 8 हो गया, फाइनली आप देखोगे 25 में से 25 गया, 25 बचा, माइनस का 16 बचा, आंसर आपका 9 आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6।